हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 8th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिनको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा गया डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। स्टूडेंट्स, जो ओरिजिनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उनको तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या है पूरा स्टडी कर लिया है। स्टूडेंट, मैंने आपको कल अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था वो था सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और स्टूडेंट, हमने दूसरा पढ़ा था जो कि क्या था, उसमें हमने पढ़ा था गांधीयन प्रिंसिपल को। और उसके बाद जो थर्ड था उसमें हमने पढ़ा था लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। तो स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कंक्लूड कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये फिर से बताया गया है कि ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थे। स्टूडेंट, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसमें मैंने जितने भी ये सब जो अभी आप पढ़ेंगे जो कि ये न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं जिनको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, इनको भी मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था। उसमें क्या है, जो मैंने पढ़ाया था उसमें सब इंक्लूडेड हैं, चाहे वो ओरिजिनली हो और ये क्या हो, चाहे ये बाद में जो न्यू एडिड हैं। लेकिन क्या है, आपकी जो लक्ष्मीकांत बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसमें क्या है, ये अलग से एक टॉपिक बना के दे रखा है कि क्या है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिनको क्या है ओरिजिनली वो प्रेजेंट नहीं थे और उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। तो हम इनको देख लेंगे कि ओरिजिनली कौन कौन से प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है उसमें क्या है, ये भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि आज तक के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट, चलिए एक बार इनको पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए थे और उनको क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को, जिसके थ्रू क्या है 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 को, कि जिसके थ्रू क्या है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जिसके थ्रू क्या हुआ था कि जो आर्टिकल 45 है उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया था और एलिमेंट्री एजुकेशन को अंडर आर्टिकल 21A एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। और स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, जो कि क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, उनकी फंक्शनरीज़ के बारे में बताता है और साथ ही कि उनका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, बाद में इस चीज़ को जोड़ा गया था। तो स्टूडेंट, ये सब चीज़ें अपने इस हम लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि क्या है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया वो किया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। स्टूडेंट, जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 था, इसके थ्रू क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ओरिजिनल लिस्ट में इंक्लूड किया गया, ठीक है।
और इसमें क्या कहा गया, जिसमें से पहला था कि जिसमें क्या है अंडर आर्टिकल 39 इस प्रोविज़न को ऐड किया गया कि क्या किया जाएगा, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन हैं उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए क्या होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ को सिक्योर किया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ताकि जो बच्चे हैं उनका क्या किया जा सके, उनका हेल्दी डेवलपमेंट किया जा सके। और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 39, और इसको किससे जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू, इसको हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ओरिजिनल लिस्ट के साथ ऐड किया गया था। उसके बाद स्टूडेंट जो सेकंड इसमें जो सेकंड डायरेक्ट प्रिंसिपल्स का एडिशन किया गया था वो था अंडर आर्टिकल 39 ए, जिसमें कि क्या कहा गया था कि अगर कोई भी पुअर पर्सन है तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, इक्वल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाना चाहिए, मींस उसको भी क्या है एक समान न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए फ्री लीगल एड को प्रोवाइड कराने का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 39 ए किया गया, और कहा गया कि अगर कोई भी पुअर पर्सन है, अगर कोई भी गरीब पर्सन है तो उसको क्या होगा, उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी जो क्या है जो मुफ्त कानूनी सहायता उसको प्रदान कराई जाएगी। अगर वो क्या है, वो कोई भी गरीब व्यक्ति है जो कि क्या है पुअर पर्सन है, जो जुडिशियरी का जो जुडिशियल प्रोसेसेस होती हैं, जो उनका क्या है उनके एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, और ये प्रोविज़न किया गया था अंडर आर्टिकल 39 ए में, जिसमें कि क्या कहा गया कि जो पुअर पर्सन है उनको क्या की जाएगी, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि क्या हो उनको भी इक्वल जस्टिस मिले और इक्वल जस्टिस को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद स्टूडेंट जो थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था, उसमें अंडर आर्टिकल 43 ए ये प्रोविज़न किए गए थे कि जो क्या हैं वर्कर्स हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनका क्या होना चाहिए, उनका जो इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट है उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन सिक्योर होना चाहिए, और उसके लिए स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, ठीक है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्या कहा गया है, ऐसे स्टेप्स को सिक्योर करना चाहिए जिससे कि क्या किया जा सके, इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं उनके पार्टिसिपेशन को, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, कहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट है उसमें भी क्या हो उनका पार्टिसिपेशन, उसके लिए उनके पार्टिसिपेशन के लिए स्टेप्स किए जाएं, ठीक है, और इसको ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 43 ए। उसके बाद स्टूडेंट जो फोर्थ हमने कहा था कि जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है, इसके थ्रू क्या है हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इसमें क्या हैं, फोर न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किया गया था, जिसमें से कि हमने इन क्या है तीन को पढ़ लिया, और जो लास्ट था जो फोर्थ था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड किया गया अंडर आर्टिकल 48 ए, जिसमें कि क्या कहा गया है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेव गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें कहा गया है कि क्या किया जाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो हमारे फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए क्या किया जाए, उसको सेफगार्ड किया जाए, ठीक है, उसको सुरक्षित किया जाए, और इसको जोड़ा गया अंडर आर्टिकल 48 ए। तो स्टूडेंट ये क्या थे, ये फोर न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जिनको कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किया गया। और स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 था उसके थ्रू भी क्या है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमारी ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की।
स्टूडेंट, जो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है, इसके थ्रू क्या किया गया, इसके थ्रू कहा गया कि क्या होगा, स्टेट के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अंडर आर्टिकल 38। स्टूडेंट, जो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है, इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 38 के अंडर ये प्रोविज़न किए गए कि स्टेट के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, जो क्या हैं, जो इनइक्वलिटीज़ हैं, मींस कि लोगों में जो असमानताएं हैं, वो कैसी असमानताएं हैं, चाहे वो क्या हो, इनकम यानी किसी का भी क्या है, कोई कितना कमाता है, किसका वेतन कितना है, इस बेसिस पर जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वलिटीज़ हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, स्टेट के द्वारा उनको मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए, कम से कम किया जाना चाहिए, मींस बेसिकली क्या किया जाना चाहिए, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करने की बात की गई है। और कहा गया है कि जो स्टेटस की इनइक्वलिटीज़ हैं उसको भी क्या करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए, और हर किसी को क्या है, एक जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ की भी जो क्या हैं, जो इनइक्वलिटीज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। इसको क्या है, अंडर आर्टिकल 38 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड किया गया था। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, जो कि कहलाता है 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। स्टूडेंट, इसके थ्रू क्या कहा जाता है, इसके थ्रू जो आर्टिकल 45 है उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया जाता है, जिसमें कि क्या कहा गया था, जो आर्टिकल 45 था स्टूडेंट, उसमें ओरिजिनली जो क्या थे, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविज़न किए गए थे, वो 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन थे उनके लिए किए गए थे, लेकिन क्या किया गया, जो 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 था उसके थ्रू क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या है, राइट टू एजुकेशन है, उसको अंडर आर्टिकल 21A ऐड कर दिया गया, और उसमें क्या कहा गया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो क्या होगा, अंडर आर्टिकल 21A एक फंडामेंटल राइट्स होगा, और साथ ही ये कहा गया कि जो भी क्या है 6 से 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको क्या है, स्टेट के द्वारा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसको हम पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 21A, और इसको राइट टू एजुकेशन भी कहा जाता है। और स्टूडेंट, जो ये आर्टिकल 45 था ओरिजिनली, इसमें 14 इयर्स तक की एज ग्रुप के लिए जो है वो एजुकेशन के प्रोविज़न को किया गया था, लेकिन अब क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया था, राइट टू एजुकेशन आया था जब, और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था वो कब आया था, वो 2009 में आया था, जिसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसे क्या कहा जाता है, इसे RTE एक्ट भी कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट, फिर क्या किया गया कि जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A, तो उस टाइम पे जो आर्टिकल 45 है उसके सब्जेक्ट मैटर में ये जोड़ दिया गया, उसमें क्या है, 14 इयर्स की एज ग्रुप को हटा दिया गया, और वहाँ पर क्या कर दिया गया, 6 इयर्स कर दिया गया, और कहा गया कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में जो आर्टिकल 45 है, अब उसमें क्या होगा, जो 6 ईयर तक के बच्चे होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर को प्रोवाइड कराया जाएगा, और उनको क्या है, 6 ईयर तक की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराए जाने के प्रोविज़न इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में किए गए। स्टूडेंट, इसमें यही कहा गया है कि द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 45 था उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया, और उसमें क्या कहा गया, अब उनको क्या है, 6 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए, और कहा गया कि स्टेट को क्या करना है, स्टेट को जो क्या है, 6 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करानी है, और उन सभी बच्चों को क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करानी है,
जिनकी क्या है एज क्या है 6 ईयर से कम है, जब तक कि क्या हो वो 6 ईयर्स के हों तब तक उनको क्या कराई जाएगी स्टेट के द्वारा अंडर आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, और उन सभी स्टूडेंट्स को उन सभी चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, जब तक कि वो 6 ईयर्स की एज को कम्प्लीट ना कर लें। उसके बाद ये तो था स्टूडेंट हमारा राइट टू एजुकेशन के बारे में, जिसमें कि आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया, और साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो राइट टू एजुकेशन है जिसमें कि एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A, ये किसके थ्रू जोड़ा गया, इसको 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़ा गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, इसके थ्रू क्या किया गया स्टूडेंट, इसके थ्रू भी एक नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया स्टूडेंट। जो ये 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 है ये रिलेट करता है, ये किससे रिलेटेड है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन से रिलेटेड है स्टूडेंट। जो ये 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 आया, इसके थ्रू अंडर आर्टिकल 43 भी प्रोविजंस किए गए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको उनको क्या है उनका जो वॉलंटरी फॉर्मेशन होना चाहिए उसको प्रमोट किया जाए, मींस कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका क्या है अपनी इच्छा से वो लोग क्या कर सकते हैं, लोग मिलकर उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इस चीज़ को प्रमोट किया गया। साथ ही ये कहा गया कि उनका जो फंक्शनिंग होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वो कैसा होना चाहिए, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग उनकी होनी चाहिए, मींस क्या है अपने हिसाब से वो काम करेंगे। उसके बाद ही कहा कि ये क्या है डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें क्या होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, यानी उसमें क्या होना चाहिए उन्हें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और स्टूडेंट ये कहा गया कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनका जो मैनेजमेंट होना चाहिए जो प्रबंधन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए प्रोफेशनल होना चाहिए, और इसी को हमने ये जो है 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और इसी को हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 43B। स्टूडेंट अब क्या है यहाँ पर आपके ये सारे जो भी न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे ये सब के सब कंप्लीट हो गए, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें ये 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 जिसके थ्रू की क्या है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके फॉर्मेशन के बारे में, उनकी जो फंक्शन के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में अंडर आर्टिकल 43B बताया गया है, और इसको एक नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट हमने अपने इस लेक्चर में क्या है सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जिनको कि जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं थे इनको बाद में ऐड किया, इनको हमने इस लेक्चर में स्टडी कर लिया। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो, ठीक है अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।